हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के 7:30 हो रहा है और हम निकल रहे हैं यहाँ से एलिफेंट फॉल के लिए। तो अभी यहाँ को सब क्लियर कर दिया है, बैग पैक हो चुका है गोपाल भाई का, मेरा और मनोज भाई का गाड़ी में हो चुका है। तो अब बाय बाय करते हैं इस रूम को और बढ़ते हैं एलिफेंट फॉल के लिए। दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे और मौसम काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडी, तो थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 7 बजे तक निकल लेते हैं। बट कोई ना, अभी गाड़ी की सफाई चल रही है, देन फिर इसके बाद निकलेंगे टूवर्ड्स एलिफेंट फॉल। तो अभी नहाया धोया कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे ही निकल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। और अभी देखते हैं कहीं वाटरफॉल मिलेगा तब वहाँ पर नहाएंगे। क्यों मनोज, नहाओगे कि नहीं? हाँ, एकदम। तो अभी अपना ये प्लान है, इसलिए यहाँ पे नहा के नहीं जा रहे हैं, क्यों गीज़र लगा है, गर्म पानी आ रहा है, बट मन नहीं कर रहा है। और भाई नागालैंड से हैं, नागालैंड में कहाँ से हो आप? असम से? नहीं, अभी बोले ना आपकी नागालैंड में मेरा घर है। हाँ, अच्छा अच्छा तो अभी भाई से पूछा तो नागालैंड में कोई परमिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो अभी सोच रहे हैं कि क्या पता नागालैंड निकल जाए। देखेंगे रास्ते में, रास्ते में मूड बनेगा तो निकल जाएंगे, कैंसिल भी होंगे क्योंकि आज अपने गोपाल भाई ने टी शर्ट भी बदली है, तो इस खुशी में शायद चले जाए हम लोग काफ़ी दिन बाद। तो आधे घंटे करीब और वेस्ट हो चुके हैं, चेकआउट वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए क्योंकि कल हम लोग जब आए थे तो एंट्री वगैरह कुछ नहीं किए थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया एंट्री वगैरह कराने में, चेकआउट करने में, पेमेंट वगैरह में। तो अभी निकल रहे हैं, अब बैक करके गाड़ी बाहर निकालते हैं। अभी जस्ट गेट भी ओपन हुआ है और बाकी प्रॉपर्टी आपने देखी है कितनी मस्त है, लोकेशन भी एकदम एक नंबर, एकदम शांत। तो जब भी आइए एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मस्त जगह है एकदम, और पीछे की लोकेशन तो इससे भी अच्छी है। वो जब आप आएंगे तब आप देखने, आप एक्सपीरियंस करना। अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग एलिफेंट फॉल, जस्ट पास में ये 700 मीटर की दूरी पे है, तो पहुंचते हैं पहले वहीं पे ही। सूरत रास्ता है यार एलिफेंट फॉल का, जस्ट एंट्री गेट पे आ ही गए हम लोग, एकदम पास में ही थे। अगर शाम को जल्दी आ जाते हैं तो क्या पता कल ही कर लिए होते ये चीज। सर 3 टिकट देंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस है एलिफेंट फॉल के एंट्री के लिए। तो अभी एंट्री कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी आ चुके हैं एलिफेंट वाटरफॉल की पार्किंग पे। ये पूरी पार्किंग है मस्त, एकदम क्लीन, एकदम ग्रीनरी से ढका हुआ एरिया है, चारों तरफ पेड़ हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये तो पार्क हो गया बच्चों के लिए, और ये सिटिंग एरिया, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, जो टेबल है वो सोलर पैनल की है और चेयर लकड़ी की, ऐसे एक वहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, एकदम गजब की क्रिएटिविटी है भाई। अभी बढ़ते हैं एलिफेंट फॉल के लिए, देखते हैं कितना दूर है यहाँ से वॉकिंग। और ये रहा एलिफेंट वाटरफॉल, इतनी ज़्यादा इधर से सनलाइट आ रही ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा है कैमरा में, मतलब हमें भी अपनी आंखों से इतना साफ नहीं दिख रहा है, बट पानी जहाँ गिर रहा है उतना ही केवल दिख रहा है। तो अब इसको कैसे कैप्चर करना है पता नहीं, बट कोशिश करेंगे इसको कैप्चर करने की। जैसा इसका नाम है एलिफेंट फॉल, वैसा कुछ दिखता नहीं है। अभी ये पहला वाटरफॉल है, दो वाटरफॉल उस साइड हैं। तो अभी आवाज़ तो काफ़ी तेज़ है, वाटर फ्लो भी काफ़ी है और कई सारे हैं, तो इस वजह से साउंड काफ़ी तेज़ है। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आपको कितनी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। और पेड़ों से जो ओस पड़ी थी धूप की वजह से, वो ओस उड़ रही है, वो भी बहुत मस्त लग रहा है देखने में भाई। तो अभी थोड़ी देर इसको इन्जॉय करते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी चाहते हैं इंस्टाग्राम के लिए। अगर इंस्टाग्राम में आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसी फ़ोटो देखने को मिलेंगी।
अभी चलते हैं सेकेंड और थर्ड वाटरफॉल के लिए जो कि इस साइड है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, एकदम नीट एंड क्लीन प्लेस है, डस्टबिन ऐसे बने हुए हैं इको फ्रेंडली, नो प्लास्टिक, और हर जगह वॉशरूम भी है, हैंड वॉश के लिए भी है, और सिटिंग एरिया भी बने हुए हैं काफ़ी सारे। तो मतलब 100 रुपीज़ वर्थ हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है तो उसके लिए आप 100 रुपीज़ दे सकते हो, बट अगर आपको आना है, देखना है, चले जाना है, तो उसके लिए फिर आपको लगेगा कि यार 100 रुपीज़ ज़्यादा है। अरे काफ़ी नीचे तक जाना है यार, वहाँ तक कहीं जाना है, लेट्स सी। सेकेंड वाटरफॉल एलिफेंट फॉल का, मतलब काफ़ी छोटा भी है, उससे तो कंपेयर करेंगे तो ये वाला काफ़ी छोटा है, और तीसरा जस्ट ये रहा, वहाँ जाके तब दिखेगा ये वाला, यहीं से जाता है सीधा और सीढ़ीदार है पूरा, ये भी और जो पहला वाटरफॉल था वो भी सब सीढ़ीदार है। और जहाँ पे धूप है वहाँ तो मतलब गर्मी लग रही है, बट जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे ठंड लग रही है यार, इतना ठंडी। एक तो पानी भी है तो उसकी वजह से, और दूसरा हवा भी चल रही है हल्की हल्की, तो उसकी वजह से ठंड थोड़ी लग रही है, इतनी भी नहीं लग रही है, बट मैनेजेबल है। ऐसा होता है मिनरल वाटर पहाड़ों पे रिस के आता है, ये होता है एक्चुअल मिनरल वाटर। एक छोटा सा वाटरफॉल ये रहा, जिसका पानी यहाँ से होते हुए जाता है इस साइड, पता नहीं ये पार्क है, किधर से जाना होता है ये नहीं पता है, कहीं से साइड टर्न लेके जाना होता होगा, बट अभी यहाँ से तो नहीं है एंट्री, ये सब बंद है। पहले यहाँ से स्टेयर्स दिख रही हैं, यहाँ से मतलब जा सकते, ये गेट है, बट अभी यहाँ से जाने का डायरेक्ट कोई भी मार्ग नहीं है, तो कोई ना, इधर चलेंगे बाद में यार। और ट्रिलियंस ऑफ ईयर एगो यहाँ पे बोटिंग भी होती थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बोट में खराबी आ जाने का यहाँ पे ये सब चीज़ें बंद हो गई, तो अभी यहाँ से टाइम है लीव लेने का। चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया अपने, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस वाटरफॉल की जो एक यूनिक चीज़ है वो है इसका पानी, ये पूरा मिनरल वाटर है जो कि पहाड़ों से रिस के आता है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, पत्थर होते हैं, उनसे वो रिस के पानी आता है, 12 महीने आता है ये। ये एक अच्छी बात है इसकी, कई वाटरफॉल ऐसे होते हैं जिसमें किसी नदी का, किसी डैम का पानी आता है, बट इस जैसे वाटरफॉल बहुत कम है। और जब हम आए थे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो चार ही टूरिस्ट थे, बट अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी भीड़ हो गई है, नीचे भी इतने लोग हैं और यहाँ पर भी। और 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था ये मस्ट विजिट प्लेस है भारत में ट्रैवल करने के लिए, तो एक बार जो देखना बनता है, और है भी वर्थ है आना, आओगे आप, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा आपका, मस्त लगेगा। तो अभी टाइम है पेट पूजा करने का, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, आलू पराठा या पूरी सब्जी कुछ भी खा लेंगे, चलते हैं अंदर। ये अपना एलिफेंट वाटरफॉल का ब्रेकफास्ट, पराठे चटनी एंड आलू सब्जी विद सॉसेस एंड प्याज, प्याज तो मैंडेटरी मेरे लिए, बाकी दोनों लोग नहीं खाते, मैं पहले खाता हूँ। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट लंच मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है, और खाना बढ़िया था, आलू सब्जी बस थोड़ी मेरे हिसाब से सही नहीं थी, आलू थोड़ी मीठी थी और मुझे मीठी आलू बिल्कुल नहीं पसंद, तो कोई ना, पराठे खा लिए दो, पेट भर गया एकदम, अब यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो रहा है 9:30, अब यहाँ से अगली डेस्टिनेशन क्या होगी वो अभी कार में चल के बताते हैं।